वाटरफॉल के अंदर से जा रहे हैं। वाओ, वापसी का ट्रैक शुरू हो गया है। यह है जीरो पॉइंट मेरे पीछे और ये भाई लोग मिले हैं हमें। कहाँ से आए आप? हल्द्वानी से आए। चलो ठीक है भाई, मिलेंगे फिर। ओके चलते हैं, जैसे आए वैसे ही उतरना पड़ेगा टॉप पे आके। बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, ग्रेट फीलिंग। कुछ अचीव किया आपने, बड़ा टफ ट्रैक है ये। अब थोड़ा घुटनों में ज़्यादा जोर पड़ रहा है उतरते समय, लेकिन उतर जाएंगे। ये कि सांस नहीं चढ़ेगी अब। तो वो रहा टॉप और काफ़ी नीचे उतर आए और व्यू देखो यार, बहुत ही खूबसूरत व्यू है ये सामने का। यहाँ गायें चारा चर रही है और ये दो भाई लोग हमारे नीचे उतर रहे हैं। तो ये ट्रैक है सामने, ये पत्थर से हो गया था, ये सामने और व्यू देखो चारों तरफ का। और ये सामने से आए हम, यहाँ से ब्यूटीफुल व्यू। इस व्यू के लिए इतना मेहनत करी है हमने, बहुत ही शानदार व्यू है। हाँ एक कदम तो एक गलत फैसला यहाँ आदमी जिंदगी हाथ धो सकता है। दिस इज द अनदर साइड ऑफ बुग्याल, देखो जी को कहे थे कोई नाम दिए थे। गौरव जी कह रहे आपके हम गाड़ी इतनी चला के आए हैं लेकिन ये आ गया 2 किलोमीटर का बोर्ड। ये हमारे भाई लोग आ रहे हैं और ये हम आ जा रहे हैं आगे। 1 किलोमीटर और रह गया हमारा, जो बेस कैंप था जहाँ पे हम स्टे किया था, वहाँ पे जाके चाय पानी पीते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर चलेंगे आगे। कहाँ पे? गंगोली हाट, ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब पास ही है यहाँ से। बड़े हैं आप कहाँ से? दिल्ली। दिल्ली से 0 पॉइंट ऊपर है। हाँ ऊपर है अभी, 2 किलोमीटर और। 2 किलोमीटर? हाँ। आप नीचे से बिल्कुल आ रहे हैं? हाँ हम नीचे से। तो ट्रैकिंग हमारी चल रही है कंटिन्यू। में कैंपिंग करना सख्त मना है, पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे सिंगर आ रहे हैं मोहम्मद रफी। बस ये ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध से जाना है। हाय गुड मॉर्निंग। वेल गुड। Hello sir, good morning. Hi, good morning. How are you? Good, thanks. What about you? Good morning. Hi. How are you? Yeah, fine. So? Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning. Everything fine? Yeah. Okay. All the way. View beautiful, but there is a cloud. Clouds there. Not very clear to see the mountains. Mountains, yeah. But the view is beautiful. पहुंच गए हैं अपने वापसी स्टे, जहाँ होम स्टे था हमारा, और यहाँ पे अब चाय पानी पियेंगे। ये नीचे का ट्रैक देख लो, रात को तो दिखा नहीं, ये लोग आ रहे हैं जो यहाँ से सामने से, वो नीचे जाना है अभी, पूरा बादल है अभी। ये है हमारा ब्रेकफास्ट, परांठा आलू का विद चाय और अचार। तो बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे जो खलिया टॉप है वहाँ पे हम बैठे हैं और बिल्कुल ओपन में बैठे हैं, मज़ा आ रहा है। तो अब ठंडा ठंडा भी मौसम है और साथ में नाश्ता हो तो क्या कहने। चलो ब्रेकफास्ट करके फिर हम वापसी की तैयारी कर लेते हैं। सुबह तो दिखाई नहीं दिया, यहाँ से चले चलिए ना 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 तो सीधे चलो यार। अरे आइए, अरे रहने दे यार। अरे आ गया, कोई नहीं आ गया। ये देखिए कितना
ऊंचाई पे आए थे हम, अब नीचे जा रहे हैं। ये मनोज भाई और ये ट्रैक हमारा, काफ़ी ट्रैक कवर कर लिया है, थोड़ा बहुत ही बचा होगा, विद इन 1 किलोमीटर आई थिंक। काफ़ी शॉर्टकट हमने मारे हैं उतरते समय, जाते समय तो हम सीधे सीधे ट्रैक से गए थे, आते समय शॉर्टकट से मारे। चढ़ते समय तो दिक्कत होती है, उतरते समय दिक्कत नहीं होती। ऑलमोस्ट हम नीचे उतर गए हैं, अब थोड़ा सा ही ट्रैक बचा है। ये है ट्रैक, ये बीच बीच में हम शॉर्टकट से लेके आ रहे हैं, और ये वाटर स्ट्रीम है, और ये हमारा ट्रैक है। और काले काले मच्छर काफ़ी आ गए हैं यार मुंह पे, ये देखिए मुंह के आसपास काफ़ी काले मच्छर आ रहे हैं। और पीछे सुरेंद्र भाई आ रहे हैं, मनोज भाई आ गए हैं। आज का ये ट्रैक बहुत फाड़ू था भाई, ये तो मैंने सोचा था केदारनाथ का ही सबसे ख़तरनाक ट्रैक है, लेकिन ये तो और भी ज़्यादा खलिया ट्रैक। अगर व्यू नज़र आ जाता है ना, सब कुछ वसूल हो जाता, सारी पीक नज़र आ जाती वहाँ से। कभी भी जाओ तो वेदर चेक करके जाओ, क्लियर मौसम है नहीं है। तो गाइस ये है खलिया द्वार, ये हमारी बाइक खड़ी है अंदर, कल हम बाइक पार करके गए थे और अभी हम 12:40 पे वापस आए हैं। और ये भाई ने अपनी दुकान लगा रखी है सामान की, सेल 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 सेल, और सब अपना लगे हुए हैं पैकिंग पे, हम भी करें। हमारी बाइक तो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है ड्यू टू दिस पेनियर्स एंड टॉप बॉक्स। तो ये इनका ऑफिस है, यहाँ पे 20 रुपये की पर्ची कटती है और 50 रुपये बाइक पार्क के लगते हैं। तो यहाँ से मुनस्यारी का डिस्टेंस 8 किलोमीटर रह गया है, और अब बस मुनस्यारी होते हुए अपने घर को वापसी कर रहे हैं, क्योंकि आदि कैलाश ओम पर्वत का परमिट नहीं मिल रहा है 12 तारीख तक। इस वजह से फिर हम वापसी दिल्ली को ही जा रहे हैं, वापसी फिर नेक्स्ट टाइम हम प्रोग्राम बनाएंगे। इस रूट पे काफ़ी कुछ देखने को है अभी, तो उसके नेक्स्ट टाइम के लिए हमने छोड़ दिया है। तो अब सीधा चलते हैं बाइक पे। ओके बाय गाइस, बलाती बैंड और ये इग्लू रेस्टोरेंट, बलाती बैंड है ये, इग्लू रेस्टोरेंट है यहाँ पे। नए नए स्कीमें निकाली हुई हैं अट्रैक्शन के लिए। मुनस्यारी यहाँ से है 8 किलोमीटर, हमने आज ट्रैक किया खलिया टॉप का, और बहुत ही अमेजिंग ट्रैक है। हिम्मत चाहिए भाई, इसमें बहुत ताकत लगती है, एकदम खड़ी माउंटेन है इसको चढ़ने में। इतनी तो मुझे केदारनाथ में भी ताकत नहीं लगी जितनी इसमें लग गई है, लेकिन वसूल नहीं कर पाए क्योंकि ऊपर मौसम ज़्यादा साफ नहीं था, क्लाउडी मौसम था, तो हमें माउंटेन रेंज हिमालयन रेंज देखने को नहीं मिली। देख लीजिए ये है मुनस्यारी का बस स्टॉप और मेन मार्केट मुनस्यारी, और हम क्रॉस कर रहे हैं मुनस्यारी को। कल हमने स्टे किया था खलिया टॉप, और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं मुनस्यारी को। एडवेंचर एक्टिविटी कैंपिंग मदकोट 22 मुनस्यारी 0, ये पूरी मुनस्यारी है सामने, एक प्लेइंग ग्राउंड स्कूल है कोई, ये सामने पूरा मुनस्यारी का सीन देख रहे हैं आप। काफ़ी सारे यहाँ पे होटल हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, रुकने की जगह है काफ़ी। तो नंदा देवी जो टेंपल है वहाँ पे जाने का हमारा प्रोग्राम स्किप कर दिया है, पिथौरागढ़ वहाँ यहाँ से 130 है, पिथौरागढ़ होते हुए जाना पड़ेगा हमें दिल्ली को। तो नंदा देवी जो टेंपल है वहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन आज ड्यू टू मौसम ख़राब है, बादल छाए हुए हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो एक दिन हमने मुनस्यारी में स्टे कर ही लिया है, खलिया टॉप पे हमने कर लिया है स्टे, तो अब जा रहे हैं वापसी मदकोट से होते हुए दिल्ली को।
तो माउंटेन के ऊपर से तो हमें व्यू दिखा नहीं, लेकिन माउंटेन नीचे से देख लो व्यू, कितना प्यारा व्यू है। वो सड़क है, वहाँ पे जाना है हमने। आयरन ब्रिज, वी आर क्रॉसिंग। रोड तो अभी तक तो सिंगल रोड मिल रही है और ऐसे ये पैचेस मिल रहे हैं पूरे। पता नहीं रोड कंडीशन कैसी, ठीक नहीं है। अभी मानसून होके गया इस वजह से शायद काफ़ी नीचे आ गए हम। अब गर्मी लगने लगी है, उन सियारी से 10-12 किलोमीटर नीचे आ गए और पूरा डाउन पे आ रहे हैं हम। ये देख लो, एक नया आयरन ब्रिज बन रहा है और से पहले एक पुराना आयरन ब्रिज को क्रॉस करना पड़ेगा। ये काफ़ी ह्यूज है यार, दो गाड़ी आपस में निकल सकती हैं। हम अभी नदी के साथ साथ चल रहे हैं और ये जो रोड अभी तक हमने झेली है, बता नहीं सकता, पूरे जितने 8 दिन में रोड देखी है उतनी एक दिन में देख ली। इतनी गंदी रोड है ये और एकदम लूज ग्रेवल, खड्डे, कच्ची रोड। ये देखो नदी। तो हमारा जो टूर है वो अब अपने घर की तरफ बढ़ रहा है और ये बिल्कुल नया रूट है जो हमने लिया है। जा तो हम जहाँ से आए थे वैसे भी जा सकते थे, लेकिन हमने दूसरा रूट भी एक्सप्लोर करना था, इस वजह से हम नए रूट से आए हैं। चंपावट लोहा घाट वाला रूट है ये। ये थोड़ा हमें ज़्यादा पड़ रहा है, मतलब कि 30-40 किलोमीटर फालतू पड़ेगा। बिल्कुल गंदा रोड, पता नहीं रोड कहाँ चला गया है। थोड़ा सा अच्छा रोड आता फिर घर। मदकोट पहुँच गए हैं हम। तो गाइस ये वाटरफॉल देखिए, जो सड़क के बिल्कुल ऊपर से जा रहा है और रिवर है ये। ये सामने देखिए ऊपर से आ रहा है और हम वाटरफॉल के अंदर से जा रहे हैं। वाओ, मज़ा आ गया। पहली बार वाटर के फॉल के अंदर से गए हैं और ये नज़ारा हमें सचपास में भी मिलता है। क्लिफ हैंगर से निकल रहे हैं हम, चट्टानों के नीचे से क्लिफ हैंगर। और ये हिमाचल, जब हम स्पीति से जाते हैं तब क्लिफ हैंगर बहुत बड़ा है वहाँ पे, तो बहुत ही शानदार। अभी तक ये रूट भी ठीक है, लेकिन रोड की कंडीशन बहुत ही हालत ख़राब है, खस्ता हालत रोड है ये। आज हमने कम से कम 200 किलोमीटर कवर करना है और कल रह जाएगा 450 किलोमीटर दिल्ली पहुंचने के लिए। सुबह 5 बजे निकलना पड़ेगा, तब जाके शाम तक हम पहुंच पाएंगे। हरचूला 30 है, हल्द्वानी 270, पिथौरागढ़ 66। तो अगर सीधा चला जाते हैं तो हम धारचूला चले जाएंगे। सुगम पेट्रोल पंप पे हमने अभी पेट्रोल डलवाया है, ये ब्रिज क्रॉस करके, दूसरी साइड पे आ गए हैं। और ये काली नदी नहीं, ये गोरी नदी है जो जॉर्जी में जाके काली नदी से मिल जाती है। ये अभी पेट्रोल वाले पंप वाले भाई ने बताया। पिथौरागढ़ वाले रूट पे आ गए हैं। पिथौरागढ़ अरकोट कोई जगह है, स्टार्टिंग बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पे ये रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे हमने किया है अभी लंच, थाली ली थी 160 रुपए की, जिसमें 3 सब्जी थी, मिक्स वेज, दाल, कढ़ी, रोटी, सलाद, चावल। तो ये रूट अभी है हमारा पिथौरागढ़, लोहागढ़ और चंपावट। तो आज स्टे करना है हमें चंपावट, 125 किलोमीटर का अभी और डिस्टेंस कवर करना है। और ये सारा रोड कंडीशन तो बहुत अच्छी है। स्कोट था ये पीछे जो रेस्टोरेंट है, 4 किलोमीटर पहले है रेस्टोरेंट स्कोट से, काफ़ी अच्छा खाना है उसका, वेज नॉन वेज सब कुछ मिल रहा था। तो गाइस धारचूला जाने के 2 रूट हैं, एक तो जिससे हम गए थे और दूसरा रूट ये है पिथौरागढ़ से होते हुए धारचूला। और ये रोड कंडीशन देख लीजिए, रोड कंडीशन काफ़ी अच्छी है, डबल लेन हाईवे है
और कहीं कहीं ये आपको मिल जाएंगे पैचेस, ख़राब पैचेस, कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ओवरऑल रोड काफ़ी अच्छी है पिथौरागढ़ वाली। 6:06 हो गए हैं और हम पहुंच गए हैं पिथौरागढ़, और यहाँ पे फेमस है पिथौरागढ़ का किला। अभी तो हमारे पास समय नहीं है, वरना हम ज़रूर जाते पिथौरागढ़ किला देखने। धारचूला तो दोबारा जाना पड़ेगा ड्यू टू ओम पर्वत आदि कैलाश के लिए, तो यही रूट बनेगा दोबारा आने का। अगर ये उद्घाटन का पंगा ना होता तो इस बार हमें आज हम पहुंच जाते धारचूला, पहुंच के कल परमिशन लेके निकल जाते। कल हम 2 दिन और लगता तो ये आना जाना हमारा लंबा स्ट्रेस बच जाता पूरा। क्या करें, नेपाल तो हो गया कई बार। आप कहाँ पर? अच्छा, जाट ऑन व्हील्स। तो 2 घंटे राइड करते हुए हम पहुंच गए हैं पिथौरागढ़, और यहाँ पे अभी कमर सीधी करने के लिए ब्रेक लिया है। मिल गया, क्या नाम है आपका? कमल। कमल, यहाँ वाईफाई का काम आपका? हाँ, मैं एयरटेल का काम करता हूँ। अच्छा अच्छा, तो मुझे भी ट्रैवल वगैरह करने का बहुत शौक है ना। अच्छा, कई मतलब लोकल के हैं, रास्ता सही है ना, साफ सुथरा है, रास्ता एकदम रास्ते है, चलो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, रोड बढ़िया है, चौड़ी। कितना किलोमीटर रह गया चंपावत? 60 किलोमीटर, यहाँ से 30 किलोमीटर घाट, घाट से 30 किलोमीटर चंपावत, चंपावत ज़्यादा होगा, लोहा घाट रहेगा 60 किलोमीटर, फिर 13 किलोमीटर लोहा घाट से और मान के चलो। ओके, तो 10 मिनट के ब्रेक लेने के बाद, रिफ्रेश होने के बाद, अब निकलते हैं। तो मैंने अपनी ही बाइक की फॉग लैंप ऑन कर दिया है, देखिए कितनी तेज रोशनी है इसकी, रोड बिल्कुल चमक जाती है। ये देख, ये क्या मंदिर। तो मनोज भाई की बाइक में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, वो सेल्फ से भी स्टार्ट नहीं हो रही ना किक से स्टार्ट हो रही है, धक्का मार के स्टार्ट करी है, तो पता नहीं छोटा इंजन है इस वजह से ज़्यादा लोड ले नहीं रहा या क्या है, कई बार हो जाता है, मैंने कई बार देखा है एक्सपल्स में ये दिक्कत है, बंद हो जाती है गर्म होके। सुबह जब स्टार्ट करेंगे तब आराम से हो जाएगी। दिल्ली 418, देहरादून 417, टक्कनपुर 77, पीलीभीत 138। रात को भी रोड कंडीशन काफ़ी अच्छी हो गई है, बीच में जो रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं उसकी वजह से रात को बहुत इजी हो गई है राइड करना, और रात को ठंड बढ़ने लगी है। चंपावत यहाँ से जस्ट 3 किलोमीटर रह गया है, और चंपावत उत्तराखंड का एक हिल स्टेशन है। सामने लाइटिंग देखो आप कितनी, मतलब कि बड़ी सिटी है चंपावत। तो आज का स्टे चंपने होटल गणपति पैलेस चंपावत में रूम ले लिया है, तो यहाँ तो बहुत ही कम ऑप्शन है रूम्स की, एक स्टार्टिंग में होटल मिला, एक अभी मिला है, जबकि लोहा घाट में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। कभी भी आए तो आप लोहा घाट में जरूर के चंपावत में रुकने की, क्योंकि यहाँ कॉस्टली होटल हैं, और तो अभी जाके थोड़ा रिलैक्स होते हैं, खाना पीते देखते हैं, फिर चलेंगे, फिर तो मिलते हैं सीधा रूम पे।